अमरनाथ जी गया था, तो मैं वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं वो अकेला रह गया था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, और मैं रो रहा था बैठ के कि मैं अब शायद जिंदा नहीं रहूँगा। पर थोड़ी देर बाद देखा मैंने एक लेडीज आई है, उसने कहा बेटा मैं तू अकेला रह गया, मैं भी यहाँ पे अकेली हूँ, तो तू मेरे को लेके साथ चल, प्रभु के चरणों में मैं आई हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए, मैं अकेली हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। मेरे वहाँ पे कई रिलेटिव थे जो इंतजार कर रहे थे मेरा, उन्होंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा हाँ मैं आ गया हूँ यहाँ पे, तो कह रहे कैसे आया, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कितना कहाँ रह गए थे, तो मैंने कहा मैं अकेला रह गया था वहाँ पे और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे माता जी लेके आई हैं जो साथ में आई हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ है माता जी, मैंने देखा पीछे मुड़ के तो कोई भी नहीं था। जहाँ आस्था है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ चमत्कार भी है। नमस्कार, मैं पूजा रावत, और आज हम प्रभु भक्ति चैनल के माध्यम से आपको लेकर आए हैं दिल्ली के प्रीत विहार में स्थित गुफा वाला मंदिर में। इस मंदिर में 55,000 किलो का शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश भी है, साथ ही यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की गुफा भी बनी हुई है। कहते हैं कि जो भक्त कटरा में स्थित माँ वैष्णो देवी के दरबार में नहीं जा पाते, वो इस मंदिर में आकर माँ के दर्शन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पुजारी जी से इस मंदिर की विशेषता और यहाँ से जुड़े चमत्कार के बारे में। मैं एक बारी बाबा अमरनाथ जी गया था, तो मैं वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं वो अकेला रह गया था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, और मैं रो रहा था बैठ के कि मैं अब शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं मेरा मतलब यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। पर थोड़ी देर बाद देखा मैंने एक लेडीज आई है, उसने कहा बेटा मैं तू अकेला रह गया, मैं भी यहाँ पे अकेली हूँ, तो मेरे को लेके साथ चल, मैं प्रभु के चरणों में मैं आई हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए, मैं अकेली हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, तो मैं आप साथ लेके चलती हूँ। तो मैं साथ साथ चला उनके, हम पहुँच गए अपने मार्ग पे। रात को हमने शीश नाग के पहुँचना था, हम बहुत लेट हो गए थे अंधेरे में, वो थी और मैं था। मैंने मेरे वहाँ पे कई रिलेटिव थे जो इंतजार कर रहे थे मेरा, उन्होंने आवाज़ लगाई, मुकेश करके आवाज़ लगाई मेरे को, मैंने कहा हाँ मैं आ गया हूँ यहाँ पे, तो कह रहे कैसे आया, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कितना कहाँ रह गए थे, तो मैंने कहा मैं अकेला रह गया था वहाँ पे और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे माता जी लेके आई हैं जो साथ में आई हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ है माता जी, मैंने देखा पीछे मुड़ के तो कोई भी नहीं था, वो माता जी ने ही मुझे वहाँ पे पहुँचाया, और मेरे को उनकी कृपा प्राप्त हुई जो मैं अपनी सही मार्ग पर पहुंच सका। मैं यही कहना चाहता हूं, प्रभु सब कुछ करने वाले हैं, मतलब हर दुख को दूर करने वाले वही हैं, आदमी भावना रखे सही मन से तो सब कुछ पालेगा जी। तो और कुछ आप साझा करना चाहेंगे, आपके आसपास के लोगों ने भी आपके साथ कुछ ऐसा साझा किया हो? मैं उनके बारे में कई जो है दर्शन हुए हैं मेरे को भगवान की परमात्मा के। मैं बाबा का श्रृंगार करता था, तो बाबा ने जिससे मैंने बाबा का श्रृंगार किया, फूलों का पहली बार श्रृंगार किया था बाबा का, उसी रात में सपन में मुझे दिखाई दिए थे बाबा, उन्होंने बड़ी कृपा है, उनकी आशीर्वाद दे के गए मुझे, और मुझे इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जब परमात्मा के दर्शन हो जाएँ तो उससे इंसान को और क्या चाहिए, परमात्मा दर्शन ही चाहिए ना, परमात्मा को पाने के लिए आया दुनिया में इंसान, और उन्हीं को पाना ज़रूरी है। तो ये दर्शन आपको कहाँ पर, आपने श्रृंगार किया था कहाँ किया था? मैंने अपने घर, पहले हम लक्ष्मी नगर रहते थे, वहाँ बैंक के लिए मंदिर है, वहाँ पर मैंने भोले बाबा का श्रृंगार किया था, जैसे महाकालेश्वर में होता है ऐसी इसी रूप में मैंने श्रृंगार किया था। पर उसी रात मुझे सपन में दर्शन दिए माता ने और पार्वती मैया ने और शंकर भगवान ने दर्शन दिए मुझे बगादा आके, और मैंने दर्शन किए उनके, और मैं सोच भी नहीं सकता मुझे ऐसे दर्शन हो जाएंगे, अद्भुत दर्शन थे उनके। मैं देख के एकदम चौंक गया था, पर लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। पर इंसान के भाव होते हैं, जो कुछ करने वाला है प्रभु है, अगर आपके भाव सच्चे हैं, सच्चे दिल से आप भगवान की सेवा करते हैं, तो आप सब कुछ पा सकते हैं जो आपने कभी नहीं पाया होगा, तो यही कहना चाहता हूँ मैं। थैंक यू सर। ओके, आज हमने प्रभु भक्ति चैनल के माध्यम से गुफा वाले मंदिर की विशेषता और यहाँ से जुड़े चमत्कार के बारे में जाना। कहते हैं कि जो भक्त माँ वैष्णो देवी के दरबार में माँ के दर्शन करने नहीं जा पाते, और जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पाते, वो इस मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर अक्सर महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और नवरात्र के अवसर पर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल प्रभु भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कृपा प्रभु की और आस्था भक्तों की।